ओ बापे पैची मिल गई, क्या लेगा अभी। इधर हमारे बच्चों का चल रहा है डांस, देख सकते हो उसे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स में। तो ना अभी टाइम हो रहा है 9 और मैं जल्दी उठ गई थी। मेरा खाना मतलब रोटी बनी है, सब्जी नहीं बनी, रोटी बन गई है। शिवाय का पानी गर्म हो गया है, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से सब्जी, नहीं तो बेटा उठ जाएगा तो सब्जी नहीं बनेगी। तो ना मैं बना रही हूँ आज सेव टमाटर की सब्जी, बहुत टाइम बाद। मेरे पति देव को ना बहुत पसंद है सेव टमाटर की सब्जी, तो बोले बाबू सेव टमाटर की सब्जी बनाना सुबह। तो बोला ठीक है वही बनाती हूँ मैं, फटाफट से करती हूँ तैयारी। बहुत दिनों से सब्जी बन लिए, देखना पड़ेगा फ्रिज में टमाटर है या नहीं है। तो चलो देखते हैं। हमारे दूध की मलाई कितनी ज्यादा मोटी निकलती है एकदम। अपन पराठा बनाते उसको 3 फोल्ड करते हैं ना, और इतना मोटा रहता है, उतनी मोटी मलाई निकलती है। आज मलाई भी बनानी है, नहीं तो मैं चले जाऊंगी तो फिर मलाई कौन बनाएगा। इधर मेरी सब्जी बन गई है सेव टमाटर की, इधर मेरी मलाई पक रही है। बहुत सी कमेंट आई थी, मैंने पिछली बार मलाई तपाई थी ना, तब की दीदी छाछ बना के बनाया करो, दही बना के या फिर लोनी निकाल के बनाया करो, मतलब ऐसे बहुत कमेंट आई थी कि ऐसे बनाया करो वैसे। बट ना इतना टाइम नहीं रहता है, दूध जो गर्म करती हूँ ठंडा होता है, फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह निकालती हूँ तो उसके ऊपर ना इतनी मोटी मक्की की रोटी बना दो ना मोटी, उतनी मोटी मलाई आती है उसकी, 4 घड़ी करो मस्त इतनी मोटी हो जाती है। उसको इकट्ठे कर दो जाता पहले मैं रख रख के, फिर बाद में ना उसको तपा लेती हूँ 8 दिन में 10 दिन में, अभी तब जब तपाई थी और अब तपाई है, इतने दिन में मेरी हो गई। और कभी कभी तो निकलती नहीं, फिर भी निकल आएगा। 8 दिन का पाव भर घी तो मेरा कहीं नहीं गया, पाव भर घी आराम से निकल जाता है। मैं अगर डेली मलाई निकालूँ ना तो मेरा 1 किलो 1.5 किलो घी निकल जाए। मैं दूध 1 लीटर लेती हूँ सिर्फ मॉर्निंग में, नाइट में नहीं लेती, फिर भी मलाई सबसे अच्छी निकलती। मेरा बेटा सोया है उठाने, जो क्या मन कर रहा है उठा के तैयार कर दूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:08 और अब हम चाय पी रहे हैं। हमारा सब काम हो जाता है उसके बाद में लास्ट में चाय पीते हैं। और इधर इसको देखो क्या हो गया लाडो, छिछी आ गई। हाँ धुलाऊ, छिछी आ गई धुलाओ, पहले चाय पी दो फिर उसकी छिछी साफ करूंगी। सब टाइम हो रहा है 12:26 और मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ जय के घर राखी बांधने के लिए। शाम का था जाने का बट अगला दिन में बांध देती हूँ यार, अब बांध के आ जाऊँगी फटाफट से, रुकूँगी नहीं मैं। राखी बांध के तत्काल वापस, साड़ी पहनने का था मुझे, धूप इतनी है गर्मी हो रही है, कहाँ साड़ी पहनूँ, सूट पहन के जा रही हूँ। और इसके भी फटाफट से ड्रेस चेंज किए, मौसम इतना ख़राब हो रहा है। We'll be right back.
और खा ले रे बस हो गया ये करते रहो जब लग जाए ये टाइम में भाई को मारने का नो नो बाबा बोलते बाबा सभी हमने राखी वगैरह जो भी थी मनाई राखी बांध दी देख सकते हो मेरे भाई की राखी का लाइफ पे एक है कृष्ण भगवान एक है कुल ब्रो और ये टेंसी को देखो शैतान सी बच्ची को चलो आओ चले ओ बापे पैची मिल गई क्या लेगा क्या लेगा जो खायो हाँ उधर चलो जाते अब आएंगे हम मैं रुकती बैठे ना पापा आ गए तो जा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी चलो बाय 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 आना आना पापा घर हाँ प्रिंसी को तो ऐसे भी छोड़ के जाना है इसका उड़ाने का दे दो नहीं तो आज और भूल दो सो अभी इधर हमारे बच्चों का चल रहा है डांस देख सकते हो उसे ये जरा से कहीं कम नहीं ये इसको देखो रात की फिक्स 12 और मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ अभी तो मैं जगूंगी मैं नहीं सोऊंगी सुबह 6 बजे उठना है फिर भी नहीं मैं सोऊंगी क्योंकि ना मेरे को अभी सारा काम करना है फ़ोन वगैरह का जो भी एडिटिंग या अपलोडिंग है सब अभी ही करना पड़ेगा क्योंकि सुबह ना हम 8:30 बजे घर से निकल जाएंगे क्योंकि 9:45 की बस से 8:30 बजे निकलना है किसी भी कंडीशन में मैं नहा लूँगी बेटे को तो नहलाऊँगी नहीं क्योंकि नहलाया कि फिर उसका रोना धोना सब चलेगा और कल इतनी बजे हम रहेंगे हमारे मामा के गांव में बहुत मज़ा आने वाला है पायल से मिलाऊंगी पायल वहीं रहती हैं और दूसरे मामा वगैरह भी वहीं रहते हैं देखिएगा कल वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मैं कब गई थी मेरे को भी नहीं पता है दीदी की शादी में गई थी 4 से 5 साल हो गए जब से मैं अपने गाँव में गई नहीं कितने चेंजेस आए होंगे सब देखेंगे पुराने फ्रेंड्स वगैरह से मिलेंगे आपको भी मिलाएंगे सो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाय गुड नाइट हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमको ढेर सारा प्यार करते रहिए बाय बाय